Please subscribe to Rinku's cooking channel. पहले वीडियो में मेरा जो अपलोड है जो बोचा का सब्जी हम बनाए थे उसी में हम थोड़ा रख दिए, उसमें रोस्टेड पीनट और थोड़ा सा कोकोनट जो पीसेस में कटा हुआ होगा वो पीसेस में थोड़ा सा डाल दे रहे हैं और उसको अच्छा से मिक्स्ड करना है। आलू का पोर्शन रखे थे बहुत अच्छा से मिक्स कर लीजिए जिससे वो आलू और मोचा एक साथ में मिल जाए, जिससे हमको थोड़ा सा बाइंडिंग करने में सुविधा हो। इस तरह आप उसको मिक्स कर लीजिए। एक दूसरे कढ़ाई में या पैन में आप अच्छा से थोड़ा सा डीप फ्राई के लिए जो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल को मीडियम फ्लेम में आपको गर्म होने दीजिए। अभी जो चॉप बनाएंगे उसके लिए जो हम बैटर करना है तो उसमें एक कप हम बेसन लिए हैं, उसमें थोड़ा सा काला जीरा डाल रहे हैं, काला जीरा और ग्रीन चिलीज़ को हमको अच्छा से छोटा छोटा पीसेस में कट कर रखे हैं, काला जीरा ये दोनों डालें और उसमें अभी सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट और थोड़ा एक हाफ स्पून उसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप डालिए और 1 स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डालिए। खूब अच्छा से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छा से उसको मिक्स करना है। उसमें अभी अंदाज से पानी डालिए जिससे बैटर ज़्यादा थिक ना हो जाए और ना पतला हो जाए और इस वे से आप इस तरीक़े से उसको घुमाते रहिए जिसमें वो अच्छा क्रिस्पी और फ्लफी होगा। बैटर जिस तरीक़े से हम मेथड में कर रहे हैं उसी मेथड से आप उसको बैटर को घूमते रहिए। अभी जो हमको मोचा का सब्जी रेडी था उसमें हम थोड़ा सा भुंगा मसाला मिक्स करेंगे, जो जीरा और लाल मिर्च जो है उसको भूंग कर आपको पीस लिए हैं, वो भुंगा मसाला देने से चॉप में अच्छा फ्लेवर आता है। तो मिक्स करके उसको गोल गोल चॉप जैसे हम गोल गोल बना लेंगे, ऑयल देखिए गर्म हो गया। हम अब क्या करेंगे, जो बैटर मेरा गुला हुआ है उसमें वो चॉप वो जो मोचा का गोल गोल बना कर रखे थे वो बैटर के अंदर उसमें डुबो कर उसमें देना है, तेल में देना है। इसी तरह आप सभी वो गोल गोल चॉप जो बनाए थे उसको बैटर के अंदर में डालकर उसमें तेल में डालिए और फ्लेम को लो कर दीजिए जिससे अच्छा क्रिस्पी होगा। एक बार हो जाने से फ्राई उसको पलट कर उसको गोल्डन ब्राउन तक होने दीजिए। अभी मेरा चॉप रेडी है, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक और रेड मिर्च देकर सर्व करेंगे। पसंद आने से जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए।